इस्लामी तारीख में जब भी मुसलमानों के लिए मुसलमानों की जरूरत हुई, सुभान अल्लाह, मुसलमानों ने उन्हें अपना भाई समझ के उनकी मदद की। जब भी मिल्लत इस्लामिया मुसलमान कौम खतरे में आई, मुसलमानों ने अपना सब कुछ पेश कर दिया। तारीख इस्लाम में एक खातून का तस्करा है, हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खंसा अपने सीने में बड़ा दर्द भरा दिल रखती थी। भाइयों का इंतकाल हुआ तो उस पर इन्होंने मरसिए कहे, बड़े दर्द भरे मरसिए कहे। लेकिन जब अपना बेटा जवान हुआ और बात मिल्लत इस्लामिया की आई, मुसलमान की हिफाजत तहफ्फुज़ इस्लाम की बात आई, तो अपने बेटे से क्या कहा, बेटे अब तुम जवान हुए हो और मैंने जो तुम्हें पाला है आज के दिन के लिए पाला है, आज के दिन के लिए पाला है, जाओ। अल्लाह की शान, दूसरे के बेटे को बुलाया, क्या बेटे तुम्हें भी मैंने आज के दिन के लिए पाला है, मामला इस्लाम का है, मामला मिल्लत इस्लामिया का है, जाओ। तीसरे को बुलाया, उसे भी तैयार करके भेजा। अल्लाह की शान है, अल्लाह ने इस खातून के तीनों बेटों को कबूल फरमा लिया। क्या कहती है ये खातून, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी बिशहादतिहिम। ए अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, ए अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, तूने मुझे इन बच्चों की कुर्बानी पर इज्जत बख्शी है। मैं अपने बच्चों को इस्लाम और मुसलमानों के लिए पाला करती थी, मैं अपने बच्चों को मिल्लत इस्लामिया के लिए पाला करती थी, खुद गर्ज नहीं कि अपनी जिंदगी भी अपने लिए, बच्चों की जिंदगी भी अपने लिए, किसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अपना जीना भी मरना भी अपने लिए, और औलाद भी किस लिए पाली कि ये भी हमारे लिए ही कुर्बान हो जाए। क्यों पाल रहे हैं औलाद को, मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए। इस्लाम का फरीजा है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। जुल्म नहीं करता मुसलमान पर, मुसीबत की घड़ी में, आजमाइश की घड़ी में उसे बेयारों मददगार नहीं छोड़ता, जो इससे बन पाता है उसकी मदद करता है, कलम से मदद करता है, सलाहियतों से मदद करता है, आवाज लगा के मदद करता है, जो इससे हो सकता है अपने भाई के लिए खड़ा हो जाता है। ये इसके इस्लाम का तकाजा है। और मेरे अजीजो, आज यही अपने नबी का सबक हम भूल बैठे हैं, यही सबक भूल बैठे हैं।